2021 का इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट आया है उसमें अधिकतम बच्चे फेल हैं, और जबकि ऐसा जो नियमता बात हुई थी तो उसमें सभी बच्चों को प्रमोट करने के लिए कहा गया था। तो हमारा बस एक ही मांग है कि या तो सभी को प्रमोट कर दिया जाए या तो सभी का एग्ज़ाम लिया जाए। किसी बच्चे को जो जो सही नहीं है, अच्छे से जांच नहीं हुई है, या तो फिर जो आकलन किया गया है नंबर का वो गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि जो बच्चों का नंबर जो फेलियर बच्चे थे उन्हें टॉप करा दिया गया है, तो या तो या अंदरूनी कुछ बात है जो समझ में नहीं आ रहा है, और जो बच्चे पास होने के लायक थे उन्हें फेल कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमारा बस यही कहना है कि या तो सभी का आप एग्ज़ाम ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई फोकट का नंबर मांग रहा है, आप सभी का परीक्षा ले लें, कोरोना को ध्यान में रखते हुए आप सभी का परीक्षा ले लें, या फिर आप सभी को प्रमोट करें। ऐसा नहीं कि आधे बच्चे को फेल, आप किस भी आप पर फेल कर रहे हैं, बहुत बच्चे आकर 11th में या 12th में ही बोर्ड को लेकर के कॉन्शियस होकर पढ़ाई करते हैं, तो फिर उन सब बच्चों का क्या। और आप जिस भी बिहाफ पर निकाले हैं वो बिहाफ भी गलत है, जिस तरीके से आप आकलन कर रहे हैं नंबर का, जो फेलियर बच्चा है उसे टॉप करा दे रहे हैं, जो असल में जो पास होने लायक होता उसको फेल कर दे रहे हैं, और इतने सारे बच्चे कैसे फेल हो सकते हैं। तो या तो अगर कोई समस्या आ रही है तो आप पूरा का एग्ज़ाम ले लीजिए फिर से। और ये अभी हम लोग रोड पर उतरे हैं छात्राओं के साथ, ज़रूरत पड़ेगा तो पूरे जैक ऑफिस को जला देंगे, लेकिन शांत नहीं होंगे, ये आक्रोश चलता रहेगा। अभी हम जैक चेयरमैन का पुतला भी दहन करेंगे, और ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक ये सरकार निर्णय पे नहीं पहुंचती है। सरकार ठप है, इनका पढ़ाई का व्यवस्था ठप है, शिक्षा मंत्री अनपढ़ है, हर तरीके से ठप व्यवस्था है, और ये पूरे कॉलेज को, पूरे झारखंड को ठप करने की तैयारी चल रही है। आपका ये कहना था कि वो फॉर्म नहीं भरे हैं, हाँ तो ऐसी बात नहीं है, बच्चे फॉर्म नहीं भरे होते तो उनका एडमिट कार्ड कैसे आता, सभी बच्चों के पास एडमिट कार्ड है। और आज विद्यार्थी परिषद हर कॉलेज कैंपस में पुतला दहन जैक चेयरमैन का कर रही है, अभी यहाँ करेगी, फिर BSS में करेगी, और उसके बाद अगर ये जैक से कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आता है, इस पर जल्दी सुनवाई नहीं होती है, तो हम जल्द से जल्द फिर रांची जाने की तैयारी करेंगे, वहाँ पर जैक ऑफिस को घेरेंगे। कॉलेज का व्यवस्था बहुत खराब है, और आप बात हम लोग का रिजल्ट का, तो रिजल्ट का हम लोग का मतलब पेपर में रहता 99.9% बच्चा पास किए, तो हम लोग मतलब 0.1% में आते हैं क्या? हम लोग 11th में पास किए, फर्स्ट डिवीजन से पास किए, किस आधार पर हम लोग 12th में फेल कर दिया गया? ऐसा होना चाहिए, व्यवस्था तो झूठी। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि क्या हाल हो रखा है धनबाद का, और ये सिर्फ धनबाद का ही केस नहीं है, रांची में भी, जमशेदपुर में भी, मतलब टोटल की 11 और 12 के बच्चे में से 34,000 बच्चों को फेल किया गया है, तो ये तो होना ही था। रॉय का भी पूरा बच्चा लोग हल्ला किया है, यहाँ तक कि वो लोग भूख हड़ताल पे बैठने के लिए भी तैयार था, बैठा भी है, मतलब कंटिन्यू 4-5 दिन से यही सब चल रहा है। मैं ये ब्लॉग कुछ सोच के नहीं शूट कर रही थी, मैं कॉलेज गई थी, ट्यूशन गई थी, तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और पूरा मतलब कि पूरा रोड जाम था वगैरह वगैरह बहुत ही, तो ये तो गलत बात है ना। मैं भी उन लोग का साथ इसलिए दूंगी, एक क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पे उन लोग का कहना बिल्कुल सही है, अगर आप सबको पास कर ही रहे हैं, जब सरकार का आदेश था कि सभी बच्चों को पास करना है, क्योंकि इस बार तो एग्ज़ाम्स हुआ नहीं था, तो जब सबको पास करना ही था, तो आप किस हक से 34,000 बच्चों को फेल किए हो, किस हक से, ये हम लोग का पूछने का तो हक बनता ही है। अब हम लोग का देख लीजिए, सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है, तो सेमेस्टर में क्या किया है, किसी का बहुत ही अच्छा नंबर दे दिया है, किसी को बहुत ही बेकार दे दिया, तो खैर पास तो किया। हम लोग में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसका क्रॉस लगा है, जिसका कि मतलब किसी सब्जेक्ट में फेल कर दिया वगैरह वगैरह, प्रैक्टिकल में नंबर कम दिया, तो प्रैक्टिकल तो खैर कॉलेज की बात है वो जो भी हो, लेकिन बाहर से जो रिजल्ट आया है उसका तो ये तो सवाल होता ही। और बच्चे लोग अगर इस पर कोई भी अगेंस्ट, मतलब टीचर्स के अगेंस्ट या फिर जैक बोर्ड के अगेंस्ट कोई भी कदम उठा रहे हैं, तो SSLNT की टीचर्स निकल के उनको मतलब डांट रही थी, मतलब कि निकली बाहर और वो लोग को डांट रही थी, डरा धमका रही थी, तो इसे क्या साबित करना चाहते हैं आप लोग, किसी को भी डराए धमकाएंगे, लेकिन बच्चे लोग इतना ज़्यादा आक्रोश में है कि टीचर्स की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हम देखें वहाँ पे, मतलब जितने भी देर खड़े थे वहाँ पे, हम देखें कि जो बच्चे थे वो टीचर से भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उन लोगों का बस एक ही कहना है। और सिर्फ ये एक केस नहीं है, ये भी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम और बहुत सारे हो रही है। जैसे कि पहली प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को फेल किया गया है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ कहना था नहीं, जब आपने कहा कि सबको पास करेंगे तो फिर इन लोगों को फेल क्यों किया गया, ये उन लोगों की पहली प्रॉब्लम है, और वो ऐसा बता रहे थे। उसके बाद उनकी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता ही है, प्रैक्टिकल तो जानते ही हैं कि 20 नंबर का होता है, और 12 में 30 नंबर का, ठीक है, तो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है, आप 30 में से 57 नंबर किसको दे सकते हैं, मतलब 30 नंबर का प्रैक्टिकल है उसमें आप 57 नंबर दे दिए, क्या मतलब नींद में क्या आप रिजल्ट बना लेते हैं, तो इन उन लोगों का कहना ये भी है। दूसरा पॉइंट,
और तीसरा ये है कि 11th में उन लोग का जितना मार्क्स आया था, मान लो 11th में कि 14 था अगर थ्योरी में, तो 12th में भी 14 ही दिया, मतलब कि वो लोग ये भी समस्या है वो लोग का कि सेम मार्क्स जो 11 में था वो 12 में भी उतार दिया। तो और उसके बाद फिर आज देखिए, आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि आज 6 तारीख है और आज लास्ट डेट है शायद फॉर्म भरने का किसी चीज़ का उन लोग का। तो उन लोग का कहना था कि हम लोग का तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा अगर फॉर्म का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो उन लोग यही बोल रहे थे, जैक के ऑफिस में गए थे, वहाँ पे बहुत भीड़ इतना था कि समेटना मुश्किल था, पूरा कोर्ट मोड़ से लेके हीरापुर उधर, मतलब पिकर उधर जाम किया हुआ था, पिकर का बच्चे लोग पूरा मूर्ति पुतला सब जलाया, जैसे कि आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा ही है। और ऐसे सिलेंटी की लड़की थी, कुछ हमारे कॉलेज की भी थी। तो भाई जिसको प्रॉब्लम होगा उसका तो ये होगा ही ना, कितना दिन आदमी बर्दाश्त करेगा, ज्वालामुखी जैसा फटेगा ही। इस पर टीचर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्लस और भी जो कॉलेज के टीचर्स लोग हैं, प्रोफेसर है या फिर जैक ऑफिस के जो कि कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये आप लोग का जो तरीका है वो गलत है। तो यहाँ पे उन लोगों ने भी जवाब दिया है कि ठीक है, माना कि हम लोग का तरीका गलत है, पर आप लोग का तरीका कौन सा सही है, कौन सा सही है आप लोग का तरीका, और आप लोग किस बेस्ट पर हम लोग को फेल किए। तो इन सारे सवाल का जवाब उन लोग को देना होगा, उन लोग से कुछ भी नहीं हुआ, उन लोग जवाब तो कुछ नहीं देंगे, उल्टा बच्चे लोग को डरा धमका के इधर उधर करके बाहर, लेकिन फिर भी इतना डरा धमका, लेकिन एक भी बच्चा लोग ऐसा नहीं था जो डराने धमकाने पर डर गया हो। वो लोग हर चीज़ पे, पहले तो बोला कि अगर यहाँ पे हम लोग की सुनवाई नहीं होगी जैक के ऑफिस में, तो हम लोग कोर्ट मोर में जो रणधीर वर्मा चौक है वहाँ पे धरना देंगे, और धरना भी दिया और भूख हड़ताल किया, पूरा भूख, जितनी भी बच्ची लोग थी पूरा भूखे सब बैठा हुआ बैठी हुई थी सुबह से लेके शाम तक 5-6 बजे तक, यहाँ तक कि मेरे पापा उधर से आ रहे थे किसी काम से लेके, वो 4 घंटा जाम में फंसे हुए थे उधर ही के रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि मेन एक वो है स्टेशन जाने का भी उधर से ही रास्ता है और इधर से भी जाने का, मतलब मेन वो लोग घेर के रखे थे तो कहाँ से आदमी आना जाना करेगा। तो रोड बहुत ही ज़्यादा जाम था, इससे आम जनता को भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। और जो भी हो, जैक को इसका समाधान करना चाहिए। और अब उन लोग का कहना ये भी है, और प्लस इन लोग से ये कहा जा रहा है, जितने भी बच्चे फेल किए हैं इन लोग से ये कहा जा रहा है कि आप लोग फिर से एग्ज़ाम दीजिए कंपार्टमेंट का। तो उस पर बच्चों ने क्या कहा है कि सिर्फ हम ही एग्ज़ाम क्यों दें, जो हम लोग से कमज़ोर कमज़ोर बच्चे थे जो कभी कॉलेज अटेंड नहीं किए, उन लोग का फर्स्ट डिवीज़न से पास कर दिए, किसी को 347 नंबर है, किसी को 350 नंबर है, किसी को 380 नंबर है, फिर जब हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो के इतना तो गिरे हुए नहीं है कि आप लोग इतना कम दिए, इतना तो कमज़ोर हम लोग विद्यार्थी नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मुझे ये, मतलब मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा प्रॉब्लम ये है, कोई एक प्रॉब्लम बस फेल का होता तो माना जाता, लेकिन यहाँ पे तो मार्क्स गलत बैठा रहे हैं, फेल कर रहे हैं, प्लस ऊपर से हाँ एक और चीज़, जैक का जो न्यूज़पेपर है उसमें उन लोगों ने अपना वेबसाइट दे रखा था कि अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप इस वेबसाइट पर आकर संपर्क करें, और वहाँ पर एक फ़ोन नंबर भी दिया हुआ था जिसपे से आप अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो एक बच्ची ने उन्हें मेल किया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कॉल किया, तो कॉल करने पर क्या बोला जा रहा है कि आप इतने पैसे दो हम आपको पास कर देंगे। अब बताइए यहाँ पे बात हो रहा है घूसखोरी का, यार स्टूडेंट है इतना कहाँ से लेके आएगा घूस के लिए पैसा, आप लोगों को तो बस घूस चाहिए और तो कुछ भी नहीं, तो प्रॉब्लम तो होगा ही। और सब तो जब इतना कुछ होगा तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा, तब तो बम फूटेगा ही, और जो कि फूट रहा है कंटिन्यू 5 दिन से उन लोग धरना दे के रखी हुई है। और अब उन लोग का अगला कदम ये है कि अगर हम लोग की सुनवाई यहाँ पर नहीं होगी तो हम लोग जाएंगे जैक के मेन ऑफिस पर जो कि है रांची में, तो उन लोग रांची जाने तक भी तैयार हैं। उन लोगों का कहना है कि आप लोगों ने हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर दिया, जब सब बच्चे को पास किया जा रहा था फिर हम लोग क्यों, हम लोग से कौन सा दुश्मन था कि आप हम लोग को फेल किए हैं। तो ये बात पूरा हो रहा है, और धनबाद में अभी चारों तरफ बस इसी चीज़ का चर्चा हो रहा है, सिर्फ धनबाद में ही नहीं, रांची में भी हो रहा है, जमशेदपुर में भी हो रहा है, जब से 11th 12th का रिजल्ट मतलब आउट हुआ है तब से मेरे भी कुछ फ्रेंड है जिन्हें पास तो कर दिया पर नंबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यहाँ तक ये है कि 180 नंबर अगर किसी का है, एक लड़की है जिसका 180 नंबर है तो उसको पास कर दिया है, ठीक है, और भी एक लड़की है जिसका कि 290 नंबर है तो उसको फेल कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि आप एकदम कम नंबर वाले को पास कर दे रहे हैं और एकदम ज़्यादा नंबर वाले को भी फेल कर दे रहे हैं, तो ये तो बात हो गई है। तो देखिए फैसला क्या होता है क्या नहीं होता है, और उन लोग का बस यही कहना है कि जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग ये सब चीज़ छोड़ेंगे नहीं, कुछ तो उन लोग का उन लोग कहना है कुछ तो आप लोग हम लोग को बताएंगे ना कि क्या हम लोग एक्शन ले, अगर हम लोग एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा तो हम लोग क्यों लिया जाएगा, सबका लिया जाएगा जब एग्ज़ाम ही लेना है तो। अरे जहाँ पे आप एग्ज़ाम लीजिएगा 34,000 बच्चों का तो वहाँ पे भी भीड़ होगा, तो उससे अच्छा है कि सबका एग्ज़ाम लीजिए, क्या 34,000 एक का तो एग्ज़ाम आप नहीं ले रहे हैं कि आप अकेले बैठा के लीजिएगा। उन लोग का मतलब कहने का मतलब है कि कोरोना के टाइम में हम लोग इतने इतने बच्चों का एग्ज़ाम नहीं ले सकते जैसे कि नहीं हुआ है, तो 34,000 बच्चा कम है, जब आप 34,000 का लीजिएगा तो फिर 1.5 लाख का भी लीजिए, 2 लाख का भी लीजिए, तब तो आपको सबका एग्ज़ाम लेना है। तो उनका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो सब एग्ज़ाम देगा, सबको क्यों पास किया गया, सबका रिजल्ट रद्द किया जाए और सबको एग्ज़ाम दिया जाए। स्टूडेंट देख रहे हो तो स्टूडेंट
ऑफ कोर्स मेरी बात से सहमत होंगी, क्योंकि ये सरासर गलत है। जब आप लोगों ने कहा कि हम आपको पास करेंगे तो मतलब पास करेंगे, प्रमोट करिए, ये कौन सा मतलब हुआ फेल करने का? इट्स नॉट फेयर। सो मे बी आप लोग जितने भी स्टूडेंट होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे ही होंगे। सो मैं इस वीडियो में बस यही बात करना चाहती थी आप लोग से कि क्या मैं यहाँ पे गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मैं क्या मैं यहाँ पे गलत हूँ या सही हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, फिर भी सबकी अपनी अपनी राय है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सॉरी कि आज का ये ब्लॉग नहीं था, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहती थी इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाया। एंड तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।